Everyone, welcome back to my channel. So in this video I'm going to show you how to get this beautiful curls using an automatic hair curler. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऑटोमेटिक हेयर कर्लर किस तरीके से यूज कर सकते हो और कैसे पा सकते हो ये ब्यूटीफुल कर्ल्स विदाउट एनी एफर्ट्स. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट मीन्स अलॉट टू मी. सो अगर आप देखना चाहते हो कि आपको कैसे मिल सकता है ये ब्यूटीफुल कर्ल्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये है मेरे पहले के बाल जो कि विदाउट कर्ल्स हैं, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हैं एंड कर्ल्स के बाद जो इफेक्ट आया है वो कितना ब्यूटीफुल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये ऑटोमेटिक हेयर कर्लर है बाय बेबलिस की तरफ से, और ये जो बीच में आप राउंड शेप देख रहे हो, आपको यहाँ पे आपके हेयर्स को रखना होता है जिससे आपको एक परफेक्ट कर्ल मिलेगा. सो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, ये काफ़ी चबी और थिक हेयर कलर है. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर मोड्स दिख जाएंगे और ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा. डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं टेम्परेचर की, और ये 360 डिग्री रोटेट होता है इसका वायर, तो आप ईजिली अपने बालों को कर्ल कर सकते हो. तो आप यहाँ पर जो टेम्परेचर के मोड्स हैं वो देख सकते हो, मीडियम और लो टू हाई, इस तरीके की टेम्परेचर मोड्स हैं यहाँ पे. सो जितना आप टेम्परेचर सेट करोगे उतने टाइट और लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स आपको मिलेंगे. सो मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ 15 से 20 सेकेंड के लिए, और जब तक मैं हीट कर रही हूँ तब तक मैं अपने बालों पे टोनी एंड गाय का हेयर हीट प्रोटेक्टिंग मिस्ट अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरे बाल कम डैमेज हो. और मैंने हाई टू मीडियम का सेट करा है टेम्परेचर, क्योंकि मैं एक अच्छे टाइट लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स चाहती हूँ, और इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. देन ये वाला जो एरिया मैं आपको शो कर रही हूँ, और मैंने टेम्परेचर सेट कर लिया है, मीडियम से मैं हाई के बीच में ही रखूँगी. सो यहाँ पे मुझे अपने हेयर्स को रखना है. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है कि जब आप इसे होल्ड करोगे इस कर्लर को, तो आपको जो ये राउंड रिंग दिख रही है वो आपके फेस के पास ही रखना है, चाहे किसी भी डायरेक्शन से आप कर्ल करो. सो यहाँ पे एक मैं बहुत थिन सेक्शन ले रही हूँ. मेक श्योर कि आप जब सेक्शन लो तो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, अदरवाइज़ कर्लर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और वो बीप करने लग जाएगा कि आपने सेक्शन गलत लिया है या गलत प्लेस किया है. सो आपको इस तरीके से प्लेस करना है एक थिन सेक्शन, और यू कैन सी कि इसने ऑटोमेटिकली बालों को कर्ल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर आपको एक बीप सुनाई देगी. उस बीप पर आपको ये कर्लर रिमूव करना है, और वो बीप कुछ इस तरीके की होगी. सो इस बीप के बाद आपको इसे रिमूव करना है. ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि आपके जो हेयर हैं वो कर्ल हो चुके हैं, तो आपको रिमूव करना है. तो ये बहुत इजी है हेयर कर्लर, और बहुत ही इजीली आपके बालों को अच्छे से कर्ल करता है, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कर्ल मुझे मिला है. तो मैं सेम इसी तरीके से एक थिन सेक्शन लेती जाऊँगी और बालों को कर्ल करूँगी. बस आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ही बीप आए आपको रिमूव करना है. एंड जो फर्स्ट नोटिस आपको करना है ये कि बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन आपने ना लिया हो, और इसका जो बैरल है वो आपके फेस की तरफ हो. आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने थिक सेक्शन लिया है, सो ये कर्लर इसको पिक नहीं कर रहा है और वहीं पे स्टॉप हो गया, आपके बाल उलझ जाएंगे. सो आपको थिन सेक्शन ही लेना है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है. तो मैं अच्छे से थिन सेक्शन ले रही हूँ, उसको आपको फिंगर की हेल्प से स्मूथ कर लेना है एंड देन रोटेट करना है, और उसके बाद इस बैरल में आपको सेट करना है. एंड यू कैन सी कि आपको दोबारा से ईजिली कर्ल्स आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो आपको सेम इसी प्रोसेस में आपके सारे बाल करने हैं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना होगा और आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कर्ल्स मिल जाएंगे. तो मैं इसी प्रोसेस में अपने सारे बालों को कर्ल करके आपको दिखाऊंगी. सो गाइज, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक. आई लव दीज कर्ल्स, दे आर सो प्रिटी, और बहुत ही टाइट कर्ल्स हैं. मैंने थोड़ा सा फिंगर की हेल्प से यू नो कॉम थ्रू कर रही हूँ ताकि वो थोड़े से लूज कर्ल्स हो जाएँ, बट आई टोटली लव दीज कर्ल्स. और ये बहुत ही शाइन भी कर रहे हैं, मतलब अगर आप इस कर्ल के कलर की हेल्प से कर्ल करते हो तो आपके बाल बहुत डैमेज और ऐसे फ्रिजी नहीं लगेंगे, उनमें एक बहुत ब्यूटीफुल शाइन भी आएगी. सो मुझे अपने कर्ल्स बहुत ही पसंद आए, और ये कलर बहुत ही अमेजिंग है. आई होप आपको इस कलर का रिव्यू और डेमो पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अलॉट टू मी. यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस.